मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उनका सड़क पर एक समर्थक के पैर धोते हुए वीडियो सामने आया है। ऊर्जा मंत्री ग्वालियर में सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां उनके समर्थक के पैर कीचड़ लगने से गंदे हो गए, फिर क्या था, ऊर्जा मंत्री ने तत्काल पानी मंगवाया और उसके पैर धोने लगे। इस बारे में ऊर्जा मंत्री का कहना है कि यह उनका फर्ज था। सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे वे सुर्खियों में रहते हैं। सोमवार को सुबह उन्होंने कड़ाके की ठंड के बीच ग्वालियर की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उनके कई समर्थक और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री मानसिक आरोग्य शाला तिराहा से कोटेश्वर मंदिर तक बनने वाली सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उनके समर्थक भी एकत्रित हो गए। तभी एक युवक सौरभ शर्मा आया। मंत्री से मिलने के उत्साह में वह कीचड़ में ही पैर रखते हुए चला आया। उसके पूरे पैर में कीचड़ लग गया। यह देखकर ऊर्जा मंत्री ने तत्काल पानी मंगाया और अपने हाथों से सौरभ के पैर धोए। इसके बाद उसकी समस्या भी सुनी, साथ ही अधिकारियों को सड़कें जल्दी बनाने के निर्देश दिए। मंत्री को सड़क पर बैठकर समर्थक के पैरों को धोने का नजारा वहां मौजूद लोगों को भा गया। लोगों का कहना था कि यह मंत्री की सादगी है कि वह अपने लोगों के लिए इतने सहज और सरल है। यह पहला मौका नहीं है जब ऊर्जा मंत्री तोमर चर्चा में हैं। कभी वह सफाई करने के लिए गंदे नाले में कूद जाते हैं तो कभी सार्वजनिक शौचालय साफ करते हुए नजर आते हैं। सड़कें ना बनने पर खुद नंगे पैर घूमने निकल जाते हैं। अरे हट जाओ यार तुम। आप साइड से आओ। तुम भी मेरे आज तुम्हारी वजह से हो, मेरे कोई गलत फहमी नहीं है। शिकायत पर आप आए हैं, क्या कुछ पाया, क्या कुछ कहा? निश्चित रूप से ये मेंटल हॉस्पिटल से कोटेश्वर मंदिर तक रोड निर्माण का कार्य देखा। दूसरा, विनय नगर के मेडिकल वाली लाइन में रोड सीवर लाइन डली थी, वो सीवर लाइन के कारण से वहाँ पे मिट्टी जमा है जिससे पानी फैला, कीचड़ हो गया, वहाँ लोगों को निकलने में बहुत दिक्कत है। वहाँ के स्थानीय लोगों से मिला और उनकी शिकायत सुनी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, आज की डेट से ही काम चालू हो जाएगा और समस्या का निदान होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से ये हमारा दायित्व है। उसे तकलीफ हुई, उसके मैंने अपने हाथों से सौरभ शर्मा के मैंने पैर धोए और मुझे उसको तकलीफ है। और हमारी सरकार का दायित्व है कि लोग अच्छे मार्ग से चलें। एकाध जगह कहीं अपवाद स्वरूप कमियां रह जाती हैं, उनको अधिकारियों को दंडित भी किया जाएगा और समस्या का समाधान भी किया जाएगा।